अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मैं और मेरी फ्रेंड ब्रेड और जैम। तो सबसे पहले हम ब्रेड की रेसिपी से शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों के पास है एक ये कटिंग ट्रे, आप लोग देख सकते हैं कटिंग ट्रे, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी। ये हमारी दो है ब्रेड की, ये हमने बनाई ऐसे थी, वो मिलती है बाय से ब्रेड की डो, उसको सिर्फ एक कंटेनर एक बाउल में डाला, उसके अंदर वाटर डाला, तो ये डो बन गई। तो अब हम इसको गूंद लेंगे अच्छी तरह से ऐसे, और इसको ऐसे मैंने इसको ऐसे ये देख सकते हैं आप, हम अपने चूल्हे को हटा के इधर ऊपर रख देते हैं। इसको ऐसे ऐसे गूंद लिया हमने, इसके ऊपर एक मिनट फूके रख के फिर हम लोगों ने लेना है ये कटर। सबसे पहले इसको एक बार एक शेप दे दें ऐसे, एक बार इसको रोल कर लें, फिर इसको इधर रखना ऐसे, इसको ऐसे करके भड़ा कर लें, इसको इतना भड़ा कीजिएगा कि इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत ही ज़्यादा थिक ना मोटा ना हो जाए, माइनिंग पतला ना हो जाए, नॉर्मल इसको रखना है जैसे कि अजीत इतनी क्रें। उसके बाद इसको ऐसे रख के ऐसे, अब ये हमारे पास कटर है, इसको बीच में रखना है और ये एक सर्कल कट करना है। ये हमारी बन गई ब्रेड की वन साइड। तो अब ये हम अपना चूल्हा रख लेते हैं, चूल्हे की फ्लेम ऑफ करके फिर से ऑन की है, पहले ऑन ही थी, अब ये ऊपर एक प्लेट रखनी है। ये थोड़ा सा हमने ऑयल लगाना है इस प्लेट पे, ये ऑयल लग गया, ये प्लेट हमारी थोड़ी सी उल्टी हो गई, इसको सीधा कर लेंगे और ये जो हमने बनाई है इसको इसके ऊपर रख देंगे। तब तक जब तक वो फ्राई हो रही है तो तब तक हम ये जो बाकी डो है इसे एक और सर्कल निकाल लें, इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये अपना हम अपना कटर लेंगे, इसके अंदर रखेंगे ऐसे कट करके, ये हमारी सेकंड पीस ऑफ ब्रेड भी हो गई। तो पहले हम पहले वाले पीस को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पहला पीस की वन साइड हो गई है, सेकंड होने के लिए हमने रख दी है, तो हम ये सेकंड पीस भी रख देते हैं। तो अभी 2-3 मिनट में हो जाएगा, तो अब थोड़ी देर हो गई है, ये हो गया है, तो इसी देर में आप इसकी लुक देख सकते हैं, ये एक ब्रेड की लुक हो गई है इसकी। इस वाली की हम साइड पलट देते हैं, 1 मिनट में ये भी हो जाएगा, 1 मिनट हो गया है और ये भी हो गया, ये तो ये हमारी ब्रेड बन गई है। अब आता है टाइम इसको शेप देने का, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे करके ऐसे कर दें तो इसकी एक आम ब्रेड जैसी थोड़ी सी शेप बन जाएगी, या चाहें तो वैसे ही सर्कल में भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे करके ऐसे, और इधर से भी थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे, और इधर से इसकी एजेस सॉफ्ट कर देते हैं हम ऐसे करके ऐसे ऐसे, इधर से भी ऐसे और इधर से भी। ये हमारी ब्रेड बन गई है। तो अब हम चलते हैं जैम बनाने की तरह, तो जैम मेरी फ्रेंड बताएगी कैसे बनाना है। तो अब चलते हैं हम अपनी फ्रेंड की तरफ। आज हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट जैम, जिसके लिए मैंने थोड़े से ये देखे हैं, जिसके लिए मैंने पहले फ्रूट्स मिक्स कर लिए हैं और हमने सिर्फ इनको एप्पल, इसमें हमने फ्रूट्स मिक्स किए एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, मतलब ऑरेंज, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, जामुन, ब्लैक वाले जामुन है आपको दिखाई दे ही रहे होंगे, और स्ट्रॉबेरी और
ये मेलन वाटरमेलन और जो ये वाइट है ये हमने थोड़े से इसमें लीफ डाले हुए हैं, जैम जैम लीफ। तो अब हम इसको थोड़ी देर पकाते हैं चूल्हे पे। इसको ही हम चूल्हे पे पका लेते हैं, इसको दोनों ही फ्लेम हाई कर देंगे, फुल हाई। ये हाई हो चुकी है हमारी फ्लेम। तो अब हम 2 स्पून्स ले लेंगे और हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो इसमें हम पकाएंगे, पकाते वक्त थोड़ा थोड़ा करके वाटर डाली जाएंगे। थोड़ा थोड़ा और अब साथ साथ इसको मिक्स भी कर ही जाएंगे। देखें इसकी कितनी अच्छी लुक आना शुरू होगी, लेकिन अभी इसमें पकना और भी है। ये चिपक नहीं रहा हमारे फ्रूट्स के अंदर। हमने इसमें टमाटर भी डाले हैं और टमाटर नहीं चेरी। ओ चेरी, थोड़े से फ्लेवर के लिए मिंट भी डाला है हमने। मैंने मिंट डालने लगी है, थोड़ा थोड़ा मिंट डाल देंगे हम। ये आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है जो ये डाल रही है, ये मिंट है। डब्बा ही सामने दिखा दो, ये मिंट का हमने डिब्बा, ड्राई मिंट। ये आपको ग्रीन ग्रीन आसानी से नजर आ रहा होगा। तो अब हम जैम को इसके जार में डालते हैं। चेक तो कर लें एक बार, टेस्टी। लेकिन हम नमक तो डालना भूल ही गए। हम नमक डाल चुके। ये देखें हमारी, ये पाइनएप्पल हमने काट के डाला। चलें अब हम इसको उतार देंगे और चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे। चूल्हा बहुत गर्म है इस वजह से इसको साइड पर रख दें। ये मैंने पहले बनाया था। तो अब हम इसको इसके डालने की बारी आई। तो अब हम इसको डालेंगे इसमें। जो देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है, मजेदार टेस्टी सी। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, इसकी पकने की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। और अगर आप लोगों ने, अगर आप लोग बना के चेक करेंगे फिर आप लोगों को भी आ जाएगी। और अगर हम इसको ब्रेड पे लगा के खाएंगे, हमने जो ब्रेड बनाई है, तो बहुत मजे का लगेगा। आप लोगों के घर में ये चीजें अवेलेबल ही होंगी, फ्रूट्स आपकी मर्जी है आप कौन सा लेते हैं। हाँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जौन से चाहे फूड ले सकते हैं। ये देखे इसका पानी अभी भी साथ ही जोड़ा, अभी भी देखे वैसे पानी जा। हम इसको जार में वोटर डाल लेंगे, फिर इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। इस प्लेट को हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। ये देखिए हमारा कितना जार है, ये कितना इसका जार हो चुका है। तो अब हम आगे चलते हैं इसके, इसको ब्रेड के ऊपर लगाने की तरह। नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा वाटर भी डाल लें। तो चलें पहले एक बार इसमें वाटर डाल लेते हैं थोड़ा सा। तो अब ये देखें मैंने वाटर डाल चुकी हूँ। तो अब इसको अच्छी तरह से बीट करने की बारी है। ये आप इसको देख सकते हैं, ये देखें कितने अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से बीट करना है। ये देखिए इसमें अब दलियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं। आई माइनी जैम बन रहा है हमारा। तो अगर आपको लगता है कि अभी भी वाटर कम है तो आप 1 to 2 टेबल स्पून मोर डाल दें। और ये होना भी हॉट वाटर चाहिए, गर्म पानी, फुल बॉयल। चाहे आप ऐसे अपने अंदाजे से डाल दें, इसको बीट बहुत अच्छी तरह से करना है। ये देखिए तो आपको इसकी कुछ लुक नजर आने लगी है। ये देखिए ये हमारी जैम की लुक आपको नजर आ रही होगी। देखिए कितनी अच्छी लुक आ गई है इसकी।
ये देखिए। तो अब हम चलते हैं इसको अपने ब्रेड के ऊपर लगाने की तरफ। तो ये हमारी ब्रेड है, तो देखिए ये हमारी जैम है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पहले ब्रेड के ऊपर सॉल्ट डाल लेंगे फॉर टेस्ट। अब हम इसकी साइड पर लेटेंगे, इसकी बैक साइड पे हम लगाएंगे अपनी जैम। ये हमारी जैम जो मेरी फ्रेंड ने बनाई है अभी, इसको ऐसे करके ये देखें। मुझे थोड़ा लेस लिक्विड ही चाहिए, तो अगर गिर गई तो आपसे तो कुछ नहीं होता। अब हम इस जैम के ऊपर और अपना सेकंड स्लाइस जो है वो लगाएंगे। और ये देखिए हमारा सैंडविच तैयार है जैम के साथ। इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आ रही है, इतना अच्छा सैंडविच चाहिए। ये देखें इसकी तो साइज फ्रेंड्स भी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और हमारे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।